Today we are discussing about the very important formula known as the Dharyacharya formula. Ax square plus bx plus c बराबर 0 की value कैसे x की value minus b plus minus over root b square minus 4 ac upon 2 आता है, इसको हम जा रहे बताने। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे given. Given क्या है? Quadratic equation. Ax square plus bx plus c बराबर 0. हम यहाँ से जो x की जो coefficient आ रही है a, हम उससे सारे टर्म में डिवाइड करेंगे, तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मुझे क्या मिल जाएगा? बी अपान ए। और फिर जो ये कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स आता है, हम उसको हाफ करते हैं, हाफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या मिल जाएगा? b अपन 2a। अब जो आता है कोएफिशिएंट ऑफ x की जो वैल्यू आती है b अपन a, मैंने उसका हाफ किया, अब हम इसका हम एक बार फिर स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? b अपन 2a का होल स्क्वायर। हाउ मच? b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर। तो अगर यह b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर को अगर हम इस दिए गए इक्वेशन में अगर एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो मेरा यह लाइन परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए यह सब यहाँ पे सब पे फंक्शन किया हूँ। और हम अब इसमें बी स्क्वायर अपन फोर ए स्क्वायर की जो आ रही वैल्यू, अब हम इसमें एक बार इसको ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, वी गेट बी अपन ए एक्स प्लस सी अपन ए प्लस बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें अब हम इसको और इसको ले लेंगे एक साथ, तो x स्क्वायर प्लस b अपान ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? c अपान a माइनस b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड दिस कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी अपन 2a का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दिस कैन बी 4a स्क्वायर, दैट इज 4ac माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड फर्दर वी ट्रांसपोज दिस वैल्यू, वी गेट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर। जब यहाँ से x प्लस बी अपान 2a की वैल्यू हम जब निकालेंगे, देन दिस कैन बी चेंज इनटू द स्क्वायर फॉर्म, दिस कैन बी चेंज इनटू द स्क्वायर फॉर्म लाइक दिस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, दैट कैन बी गिव्स x इक्वल टू, अब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस दिस कैन बी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2a, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर के बाद ये हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे सेम है, यहाँ प्लस माइनस रहेगा, ये हो जाएगा 2a माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, और यही आपका एम था कि x की वैल्यू को फाइंड करना कि कैसे यहाँ से x की वैल्यू आ रही है। तो यह था आपका डेरिवेशन ऑफ सिद्धार्थ चार फार्मूला। आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।